वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, तब हाल दूसरा था, अब हाल दूसरा है। वो साल दूसरा था, अब साल दूसरा है, पर हालात नहीं बदले। देवप्रयाग में बुजुर्ग महिला को 3 किलोमीटर की चढ़ाई ले जाते समय ग्रामीणों का ये दर्द छलका है। उत्तराखंड सरकार जहां आज अपना बजट पेश कर रही है, तो वहीं चौंकाने वाली बात ये है कि इससे पहले भी 22 बजट पेश किए जा चुके हैं, लेकिन आम आदमी तक मूलभूत सुविधाएं तक नहीं पहुंच पा रही। आज देवप्रयाग विधानसभा सीट से एक वीडियो सामने आया है। कुछ ग्रामीण एक बुजुर्ग महिला को डोली पर बैठाकर 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई कर रहे हैं। चलते चलते ग्रामीण अपना आक्रोश भी स्थानीय विधायक और सरकार पर जताते हुए नजर आ रहे हैं। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, तब हाल दूसरा था, अब हाल दूसरा है, लेकिन वो साल दूसरा था 2022 का, ये साल दूसरा है 2023 का, लेकिन तब भी हाल वही था और आज भी हाल वही है। माता श्री को जो है फिर एक बार हॉस्पिटल से घर पहुंचा रहे हैं। नेता मस्त और जनता त्रस्त, उत्तराखंड का यही हाल है और खास करके इस देवप्रयाग विधानसभा का, क्योंकि यहां पर एक बार पहले भी वीडियो बनाई थी जब माता श्री को जो है सिरकोट हॉस्पिटल से घर पहुंचाया था। आज फिर माता श्री को जो है ऋषिकेश हॉस्पिटल से जो है घर ला रहे हैं, लेकिन परेशानियां जस की तस बनी हुई है। 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई, उस एक बार थोड़ा बहुत सुखबुगार हुई थी कि रोड की आएगी आएगी, लेकिन फिर जस की तस स्थिति। ये देवप्रयाग विधानसभा, विधायक विनोद कंडारी जी यहाँ के, मान्यवर देखिए हाल, एक बार हाल देखिए कि कैसे परेशानी में मरीज को जो है हॉस्पिटलाइज किया जाता है और फिर हॉस्पिटल से जो है घर लाया जाता है। अगर आप फिर भी परेशानी को नहीं समझ रहे हैं, एक बार कभी हमारे साथ आइए, हम आपको खबर करेंगे। आप आइए और मरीज को जो है हॉस्पिटलाइज करिए, पता लगेगा मान्यवर कि परेशानी कैसी होती है। जब मरीज को जो है चढ़ाई पर चढ़ाया जाता है, तो मरीज के साथ साथ जो लोग साथ में रहते हैं वो भी अपनी जान को जोखिम में डालकर मरीज को घर से हॉस्पिटल से घर और घर से हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। मान्यवर परेशानियां होती हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अगर परेशानी होगी तो तभी कोई बोलेगा, वरना कोई ऐसे आलतू फालतू बातों में कोई बोलेगा नहीं। तो मान्यवर आपसे जो है निवेदन करूँगा, विधायक विनोद कंडारी जी आपसे, आप कहते हैं कि आप आदर्श युवा विधायक हैं, आपकी सोच युवा वाली है, तो युवा वाली सोच अगर मान्यवर आप रखते तो 8 महीने पहले की जो वीडियो है उसको आगे एक बार देखते कि वास्तव में परेशानी से भरी जिंदगी है लोगों की। दुगड्डा, नौड़ा, धोलियाणा, ये गांव 3 मूल गांव ऐसे हैं कि देवप्रयाग विधानसभा के अंतर्गत आते हैं और यहाँ रोड की बहुत बड़ी समस्या है। मान्यवर देखिए, जरा विचार कीजिए, गौर कीजिए हमारी बातों में, क्योंकि हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं, ये जनता के लिए जो लोग ये डंडी कंडी के सहारे लाए जाते हैं इनके लिए मांग कर रहे हैं, क्योंकि हम आपसे हम ठेका नहीं मांग रहे हैं कि आप हमें ठेकेदारी करने के लिए दीजिए, या हम आपसे नहीं बोले कि हमारा कोई पर्सनल काम कीजिए। मान्यवर ये जनता के हित के काम है, आपको करने होंगे।